सो गाइस फाइनली काफी लंबे समय के बाद फेम्पे का एक नया अपडेट आया है। वो वाला अपडेट पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगा है, एंड आप भी फेम्पे को रेगुलर यूज करते हो तो आपको भी वो बहुत बढ़िया लगने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं बताने वाला हूँ आपको कौन सा नया अपडेट है जो आपको अच्छा लगने वाला है, एंड इस अपडेट से मेरी तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर हुई है, आपकी भी हो जाएगी। एंड चलिए सबसे पहले मैं आपको अपडेट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने फेम्पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जिस तरीके से मैंने ओपन किया है वैसे ही ओपन होगा, लेकिन आपको होम बटन पर आ जाना है। सेकंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सिंपली इस अपडेट में क्या होने वाला है मैं आपको पहले बता देता हूँ, एंड इसके बाद ट्राई करके भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इससे क्या होने वाला है, आप किसी की भी मोबाइल नंबर इंटर करोगे उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, यानी कि उसका फेम्पे अकाउंट नहीं होगा फिर भी उसके बैंक अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। उसके सिर्फ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी अकाउंट होना चाहिए, फेम्पे पर नहीं होगा तब भी आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ये वाला अपडेट है, अगर आप यूज़ करते हो रेगुलर तो आपको पता होगा पहले सिर्फ स्कैन करना पड़ता था, इसके बाद पैसे ट्रांसफर किए जा सकते थे। अब डायरेक्ट ऑप्शन फेम्पे में भी आ गया है, जिस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, पे कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया है, एंड जो परमिशन मांगेगा वो अलाउ कर लेनी है। यहाँ से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे 9571 मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जिस प्रकार यहाँ से मैंने एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद जैसे आप नॉर्मली पेमेंट करते हो उसी तरीके से पेमेंट करनी है। सिंपली हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो chenu@ybl, ये UPI ID पर जाएगा। चेनू ऑफिशियल इज नॉट ऑन फेम्पे, ये भी आपको दिखाई देगा, ये फेम्पे पर नहीं है। यहाँ पर सिंपली एक रुपये में ट्रांसफर करके आपको दिखाता हूँ, 93.15 रुपीज़ है। अब यहाँ पर अपना पेटर एंटन वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और परमिशन मांगेगा, परमिशन तो आपको देनी पड़ेगी। ओके, और इसी तरीके से आप भी किसी को भी फेम्पे से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसका फेम्पे अकाउंट बना हुआ है तो भी, और नहीं बना हुआ है तो भी कर सकते हो। अब ये वाला अपडेट अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।